नमस्कार मैं अपूर्व आपन को स्वागत करुच स्वतंत्र कार्यक्रम को आज हूँ वर्ल्ड आनेस्थेसिया डे अर्थात विश्व निस्तेजक दिवस आम सहित आज अच्छे डॉक्टर गौरव अग्रवाल बेहोश्र डाक्तर आम स्वतंत्र कार्यक्रम आज वर्ल्ड आनेस्थेसिया डे उपलक्षे आम जानवा जो प्रकृत में आनेस्थेसिया जो यूज जो व्यवहार डेली लाइफ के भाव बढ़ी के वृद्धि पाई यार व्यवहार को नहीं बर्तमान क्यों क्यों पद्धति सब अपनाऊँ डाक्तर मैंने यार रिस्क फैक्टर किसी रही कि डेली लाइफ यार कौन यूज हो तमाम चित्र को आज आलोचना करवा जो प्रकृत में आनेस्थेसिया के भाव समय बदलवा सहित डे बाय डे लाइफ लोकों प्रवेश कर प्रायतः प्रत्येक सर्जरी यार आवश्यकता हो डॉक्टर अग्रवाल आपको प्रथम तो स्वागत करुच्छी स्वतंत्र कार्यक्रम बेहोश्र डाक्तर को तो प्रथम जानवाक चाहिए वर्ल्ड आनेस्थेसिया डे ये चलित बर्ष पालन कराकि 1903 रु बोध आरंभ होता है हाँ एक्चुअली द फर्स्ट डेमोनस्ट्रेसन जो फर्स्ट सक्सेसफुल डेमोनस्ट्रेसन होता एनएससी रो सेटा 1846 रे हेतला अच्छा सो मैसाचुसेट्स रे हेतला फर्स्ट सेटा एंड आफ्टर दैट जो ब्रांच टा डेवलप हेला तो ग्रेजुअली 1903 मसीह एटा वर्ल्ड एनएससी डे सेलिब्रेशन आरंभ हेला एंड वी माने एटा सेलिब्रेट करिके आमे सोशल अवेयरनेस माने लोकन को जणौचो जे एनएससी टा कोन व्हाई कहीं तार दरकार कहीं आप जानवा दरकार जे एनएससीआई इज इम्पोर्टेंट फॉर यू आपण इम्पोर्टेंट कौन आपण कहीं जानवा दरकार अच्छा 1903 और 2021 प्रायतः 120 वर्ष व्यवधान होगा कौन सब चेंजेस आज को देखो एनएससीआई एक तो बहुत डेवलप करेवलप कर मानने आम आज प्रत्येक मेडिकल इक्विपमेंट जहाँ अच्छी इज सेटा यूज होचे एनेस्थेसिया रे इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड आम एबे अल्ट्रासाउंड यूज करी आपनकर गोटे सर्जरी आपनकर हाथर सर्जरी अच्छे आपने सही खाली से ही हाथ को एनेस्थेसिया करी परिबो माने बधरा करी परिबो एंड आपनकर सर्जरी हे जेबो आपन अवेक थिबे आपन जानी परिबे देखी परिबे सब करी परिबे एंड यू कैन इजीली रिज्यूम योर नॉर्मल डेली लाइफ वेरी अर्ली आफ्टर द सर्जरी ओके डॉक्टर अग्रवाल यह मत जानवाक चाहूँ प्राय प्रत्येक सर्जरी आजिकल एनेस्थेसिया आवश्यकता पड़ू प्रकृत में बाध्यबाध्यकत जेहेतु आम पाखे अवेलेबिलिटी अच्छी तेणु आम यही भाव यूज करदे ना प्रकृत में सबू अपरेसन आनेस्थेसिया आवश्यकता रही देखो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस जो कौन सी आपड़ी आप गोटे कंटा भी लगुच तो आपको पेन हो पेन हो गए बॉडी रेस्पन्स हो बिल्कुल ठीक अच्छे तो दैट रेस्पन्स माइट अफेक्ट योर बॉडी माने आपण शरीर रे अन्यान्य ऑर्गन सिस्टम प्रॉब्लम हो पारे बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस एनी काइंड ऑफ इंजरी एनी काइंड ऑफ पेन सर्जरी जोटा कि जेकोसी सर्जरी अस्त्रोपचार जेकोसी हुए से विशेष कटाकटी हुए से कटाकटी जो आप बॉडी केमिकल रिलीज हुए रेस्पन्स हुए बॉडी तो से रेस्पन्स को कमेवा से रेस्पन्स को ऑब्लिटरेट करवा नेगेटिव करिया को एनेस्थेसिया दिया हुए एनेस्थेसिया इज अ कंट्रोल्ड टेम्पररी स्टेटस माने जो थे आपणकर अवेयरनेस माने आपण जानी पारु नहांती जे गोटे सर्जरीटा होउची अच्छा एनाल्जेसिया माने पेन होउनी दरज होउनी हैला इट इज अ टेम्पररी स्टेट विच इज क्रिएटेड बाय मेडिकेशन माने मेडिसिन्स देकी गोटे टेम्पररी स्टेट क्रिएट करा होउची जो थे कि आपण अवेयर नहांती कि बॉडी रे कोन होउची and it is also helping in the various chemical release jota houchi taku kamai ki apankar heart upare effect haba ki kidney upare effect haba ki anyanya organ upare effect haba ta kamai douchi to kwaje par je risk factor kam rahuchi anesthesia use karibar na tar modhe kichi risk factor acha eta bahut common question je anesthesia daba pai risk kon achi anesthesia daba pai risk hoye ni risk kon hoye apankar jo body re rog thae je kon si rog thae heart rog thae ki किडनी रोग थाए कि आउ कौन सी रोग अच्छी छाती फुसफुस रोग अच्छी से गुड़ा रोग पाई जो सर्जरीटा हूँ सर्जरी इज अ स्ट्रेस फैक्टर अच्छा तो से स्ट्रेस फैक्टर को कमेवाई एनेस्थेसिया दरकार एनेस्थेसिया जोटा हूँ जो मैं कहली आपको मेडिसिन देकि टेम्पररी स्टेट गोटे क्रिएट करा जो थे कि आप अवेयर नहांती कौन हो प्लस योर बॉडी को भी रेगुलेट करा मेडिसिन देकि ऑर्गन्स गुड़ा को रेगुलेट करा तो एनेस्थेसिया जोटा दिया होता गोटे बैलेंस्ड फॉर्म रे दिया होची गोटे कैलकुलेटेड फॉर्म रे दिया होची एनेस्थेसिया डज नॉट होल्ड एनी रिस्क अच्छा द सर्जरी विच यू आर अंडरगोइंग जोटा कि स्ट्रेस क्रिएट करुची दैट इज द रिस्क फैक्टर बिकज आपणकर बॉडी रे रोग अच्छी किछि बा जो बॉडी रो रिस्पोंस हबो टू द स्ट्रेस फैक्टर दैट इज द रिस्क माने क्लियर कट कहा जाए पारे जे एनेस्थेसिया नेले कोनोसी विपद नाही गोटे जीवन प्रति तार किसी साइड इफेक्ट नहीं ताद्वारा कौन सी बॉडी क्षति हुए ना
देखंतु माइनर साइड इफेक्ट्स सबु मेडिसिन्स रो रुहे अच्छा तो सेई भले माइनर साइड इफेक्ट्स मेडिसिन्स रो थाए द मेजर साइड इफेक्ट और मेजर क्षति जोटा होची जोटा की एनाफिलैक्टिक रिएक्शन जोटा एलर्जिक रिएक्शन होय बडी अच्छा तो अराउंड 1 इन 1 लाख लोकों करो 1 इन 1 लाख अच्छा ओके आपण भाबी परंती गोटे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट रे भी एतकी कम रिस्क नाही बिल्कुल तो ताठू भी कम रिस्क अछि 1 इन 1 लाख जोटा की एलर्जिक रिएक्शन बा सीवियर रिएक्शन टू एनेस्थीसिया बा एनेस्थीसिया ड्रग्स हेई पारे डॉक्टर बोला आ मध्ये कोआजे पर जे अनेक समय आमे देखु जे बहुत लोक जे माने एनेस्थीसिया नियंते अस्त्रोपचार करा जे एवं जेते बेले निस्तेजकर प्रभाव कमिबार लागे एनेस्थीसियार प्रभाव कमिबार लागे से माने पैनिक हेई जांते कारण एनेस्थीसिया थिला बेले से माने से पेन को फील करंती नाही कौन हेई जानि परंते नाही एवं हठा जेते बेले देखंती से तबेले पैनिक हेई जांती तहार किछ प्रभाव पड़े ना पड़े नाही अच्छा एक्चुअली कौन हुए जितने आपण गोटे निद अवस्था उठुचार आपण गोटे रेस्पन्स फिल कर सपोज यू आर फिलिंग अ पेन मानते भावत गोटे पेन फिल कर सडनली उठिले और सडनली पेनटा फिल कले तो यहाँ आगुरी कौन होता आगुरी जो एनाल्जेसिया टेक्निक्स थिला सेटा टिके कम थिला एबे नाउ इट हैज डेवलप्ड डेवलप्ड माने मुझे कहली आप गोटे भाग जो ऑपरेशन भागटा अच्छी ताकू आम अल्ट्रासाउंड गाइडेड बा अन्यान्य इक्विपमेंट गाइडेड ब्लॉक कर दो नर्व ब्लॉक कर दो नर्व ब्लॉक कर देले सही भागटा बधरा हो रहा तो आपन जो उठिले से उठिबा टाइम रे आपन से सीवियर पेनटा बा सीवियर सेंसेशन टा रहिलानी अच्छा तो विद द डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट आज हो जाए एनेस्थीसिया तो जो रिवर्सलटा जो मैंने उठि आसवाटा से बहुत स्मूथ हो जाए बेटर हो जाए किछि किछि लोकंकर रिस्क थाए जो आपण जो जिनसोटा पैनिक करिवार रिस्क थाए जो जो मानकर ऑलरेडी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स थाए जो कारण डेलिरियम्स थाए जो मानकर डिमेंशियास थाए एज रिलेटेड थाए सिमानकर उठिला बेलकु टिके पैनिक हुए बा जो मानकर ऑलरेडी ब्रेन डिजीजेस थाए सिमाने मेले बेले पैनिक होंदे पैनिक हेले आमे एई भले पेशेंट को आगुरु आइडेंटिफाई करू आइडेंटिफाई केमती करू आमे ऑपरेशन पूर्वरु तांको जांच करू जेकर आमे प्री एनेस्थीसिया चेकअप को अच्छा तो से जांच रे आमे ए जो रिस्क फैक्टर आपण कर जो एक्जिस्टिंग डिजीजेस अछि हार्ट हो किडनी हो से गोटा सब ऑलरेडी नोट करी रखु से हिसाब रे आपण को बैलेंस्ड एनेस्थीसिया दिया हुए से हिसाब रे व्हाइल टेकिंग यू आउट ऑफ एनेस्थीसिया वी टेक केयर ऑफ दीज फैक्टर्स ओके डॉक्टर अग्रवाल हम मध्ये जानबाक चाहौ जे जेभले अनेक अनेक रोग रे कहा जे जदी एही रोग अछि तले ए मेडिसिन दिया जइबो नै से भले आपण जेबले कले किछि ब्रेन डिजीज क्षेत्र रे मध्ये दिया जाय नाही बा कम परिमाण दिया जाय से भले किछि परिमापक अछि जे जदि गोटे व्यक्ति जो अस्त्रोपचार व्यतीत आउ जो जो रोग धर डायबिटीज अछि काहा को कैंसर अछि से माने एनेस्थीसिया नै परिबे ना नै परिबे नाही जदि नै परिबे केते परिमाण नेबा उचित तार किछि परिमापक डायरेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन माने डायरेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत कम अच्छा हला जो भी रोग थाउ सेथरे एनेस्थीसिया देई हबो बट द रिस्क इन्वॉल्वड विथ द सर्जरी एंड दि एनेस्थीसिया माने जो बॉडीटा नहीं पारिब कि नहीं ए रोग रे सही रिस्क फैक्टरटा टिके वैरी करे हला तो सबु जिनसर गोटे कैलकुलेशन अछि सबु जिनसर गोटे मापदंड अछि जेंति आपण पचारले मापदंड अछि प्लस मु जेंति कहले बैलेंस एनेस्थीसिया दिया हुए बैलेंस एनेस्थीसिया माने जदि आपणकर टोटल अवेयरनेस हमर नबार अछि माने जनरल एनेस्थीसिया जदि हमर दबार अछि यु विल बी टोटली अनअवेयर ऑफ यु विल बी टोटली स्लीपिंग आपण पूरा सोई थिबे आपण किछि भी जानि परिबे नि आपण टोटली स्लीप सोई थिबे सेही टाइम रे कोन केमति मैनेज होए सेही टाइम रे आमर जो गाइडलाइंस अछि गाइडलाइंस हिसाब रे स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग अटैच हुए पेशेंट संगे रे जोतिर कि ईसीजी अछि ब्लड प्रेशर अछि ऑक्सीजन मीटर अछि ता संगे रे आउरी अन्यान्य इक्विपमेंट्स अछि जोटा कि अटैच हुए सेही क्षेत्र रे सही गुड़ा इक्विपमेंट्स हमको हेल्प करे प्लस हमर क्लिनिकल नॉलेज जोटा अच्छी से हमको हेल्प करे पेशेंटर कौन स्टेटस अच्छी से जानवा डॉक्टर अग्रवाल यहाँ मत जानवाक चाहूँ जे पूर्वर आम देखुले अनेक लोकर एकाथे बॉडी को निस्तेजक दि जाऊला एवं जेहतु कहा पार्ट ऑफ बॉडी निस्तेजक दि जा पारे ता गोटे कि गोटे डेवलप आनी कि मेडिकल साइंस रे कारण पूर्व आप देखुले प्राय 10-15 वर्ष तेज़े जहाँ कहला अस्त्रोपचार करे से बेहोश हो रोला किसी घंटा बेहोश हो रोला एवं कितु जदि आम दांतर अस्त्रोपचार करवल पार्टीटा ही आमको लगुच निस्तेजक भाया से ही टेक्नोलोजी आसवापर केते सहज होई छ एक्चुअली ऑपरेशन करबा बा अस्त्रोपचार करबा देखंतु एई जो डेवलपमेंट होई छ जोटा कि हमें लोकल एनेस्थीसिया कॉमन लैंग्वेज रे कहू छ अच्छा हमर भाषा रे हमें रीजनल एनेस्थीसिया को रीजनल एनेस्थीसिया माने गोटिए रीजन गोटे पार्ट ऑफ द बॉडी को एनेस्थीसिया दिया होबा
ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଅପରେସନ୍ କରିବେ ଆପଣ କାମକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଖାଲି ହାତଟା ବଧିରା କଲୁ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରିକଭରି ହୁଏ? ଆମେ ନର୍ମାଲି 4 ଆୱାର୍ସରେ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକିଂ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପେନ୍? ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପେନ୍। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କମନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କି ଆନେସ୍ଥେସିଆ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇସାରିଲାଣି, 150 ବର୍ଷ କୁହାଯାଇପାରେ, ତ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୟୁଜ୍? ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଆପଣ କମନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, କମନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କମନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେ ଆର୍ ଭେରି ହାଇ ରିସ୍କ, ଦେ ଆର୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ, ତ ଆମେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ରୋଚେବଲ୍, ସେ ଦେ କେନଟ୍ ଟେକ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ସେମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସେକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍। ବାକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଛି ଯେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଆଜି କହିବି ମୁଁ ଆନେସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ ବା ଆନେସ୍ଥେସିଆର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସର୍ଜରୀ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ସର୍ଜରୀ ଆପଣ କରାନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ହାଡ଼ ସର୍ଜରୀ, ଜେନେରାଲ ସର୍ଜରୀ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଡେଲିଭରି କରିବାର ଅଛି ସେଥିରେ ଲେବର ଆନାଲିସିଆ ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ସେଥିରେ ଆନେସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭାଗର ପେନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ସ ଚାଲୁଛି, ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ବି ଆନେସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ଆନେସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ହୋଲସମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ନାଓ ହ୍ୟାଜ୍ ମୋର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟିଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଦିଜ୍ ଡେଜ୍। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲିଭରି ପରେ କୁହାଯାଏ, କିଛି ମହିଳା ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ରେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ତାପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ରେ ହୁଏ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନା କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ସଙ୍କର ବଡି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ସେଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଗାମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ହାଡ଼ ଅଛି ସେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସଫ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରକାର ସେ ସଫ୍ଟନେସ୍ ହୁଏ, ସେ ସଫ୍ଟନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଆଉ ଲିଗାମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେ ବି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟଟା ବାହାରିକି ଥାଏ ସେ ପେଟଟା ସ୍ପାଇନ୍ ଉପରେ ବି ପ୍ରେସର୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲୋକ ୟୁଜୁଆଲି ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି, 40 ଦିନ ଯେଉଁ ଆପଣ ଘରେ ରଖନ୍ତି ଯେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ପୋଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ବା ଇଭେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟର୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ସେଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସ୍ପାଇନ୍କୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଥିକି ପାଇଁ କି ସେଇ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟନେସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ରିକଭର୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ବଡିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଆନେସ୍ଥେସିଆ, ଯେ ଧରନ୍ତୁ ହାତରେ ଜଣଙ୍କର ଥରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମାନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କଲା, ସେତେବେଳେ ଆନେସ୍ଥେସିଆର ପରିଣାମ କିଛି କମାଯାଇଥାଏ ପରିମାଣ, ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଦିଆଯାଉଛି ସେତିକି ହିଁ ଦିଆଯିବ? ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ଆମେ ବଡିକୁ ନେଉଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ବି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ମେଡିସିନ୍ଟା ବଡିରୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବାହାରିଯିବ, ତ ତାର ପରିମାଣଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି କିଛି ବି ରହିବନି, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଫିଜିଓଲୋଜି ଥିବ, ବଡି ଫିଜିଓଲୋଜି ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଡି କେତେ ସେଇ ହିସାବରେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କରିପାରୁଛି, ବଡି ଫିଜିଓଲୋଜି କେମିତିଆ ଅଛି ବା କିଛି ରୋଗ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେହି ହିସାବରେ ଦିଆହେବ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 1846 ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଭାରତରେ 1890 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, 45 ବର୍ଷର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି, ପୁରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମେଡିକାଲରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବିଦେଶଠାରୁ ପଛରେ ତ ପଡ଼ିନେ ନା, ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଗାଇଡେଡ୍ ବ୍ଲକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଗାଇଡେଡ୍ ନର୍ଭ ବ୍ଲକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ରିଜିନାଲ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ନ କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଆନେସ୍ଥେସିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରେ ଯାଇକି କି ଏଇ ଭଳିଆ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇ, ଆମେ ୱି ଆର୍ ଗିଭିଙ୍ଗ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଫାଇଟ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆନେସ୍ଥେସିଆ ମେଜର ଅପରେସନରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ମାଇନର ଅପରେସନରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମେଜର ଅପରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାଇନର ଅପରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଏଭଳି ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଉଚିତ କି, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି କୁହାଯାଉଛି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ?
ओके भल मु एक्चुअली एक्सपेक्ट करुच्छे ये क्वेश्चन टा आसवर कहीं जो मैंने जो मैंने सर्जरी करुँचे सर्जन खोजुंत बिलकुल आपण को आह्वान करनेस्थेटिस्ट भी खोजु आप रिसर्च करूँ जो कौ एनेस्थेटिस्ट भल अच्छा कौ हस्पिटल भल इक्विपमेंट अच्छी कौ हस्पिटल भल पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छी से जिनस खोजु कहीं एनेस्थेटिस्ट आपन को ऑपरेशन पूर्व इवैल्यूएट करेंगे जोटा मुझे कहली प्री एनेस्थेसिया चेकअप आगुरी भी कहली अच्छा से इवैल्यूएशन से कौन करती से आपर बॉडी सब फिजियोलॉजी को स्टडी करती से आपर कौन रोग अच्छी आप मेडिसिन खाऊँ से एनेस्थेसिया दबापाई कौ मेडिसिन बंद करार अच्छी कौ मेडिसिन कंटिन्यू करार अच्छी कौ मेडिसिन कौ मात्र कंटिन्यू करार अच्छी बा किसी चेंज करी अन्य मेडिसिन दबार अच्छी कि ना प्लस आपणकर ऑपरेशन पूर्व आपण फिट अच्छा कि नहीं फॉर द सर्जरी माने केते फिट फिटनेसटा कौन होपण जेको रोग अच्छी आम ऑप्टिमाइज करुच्छू माने रिस्क फैक्टरटा कमेवाई आम जहाँ पदक्षेप नवा कथा से एनेस्थेटिस्ट ही करपर एनेस्थेटिस्ट सांगे मिसिकी सर्जन करेंगे तो आप जितेबले जो सर्जरी माइनर हो मेजर हो जहाँ भी हो आप निज एनेस्थेटिस्ट सांगे देखा करूँ तांको सांगरे देखा करी आप निज बॉडी विषय रोग विषय मेडिसिन विषय जनइबे जनईकी तांको कहिबे सी आपनकर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन माने जो रोग को रोगर परिमाण एनेस्थेसिया पई बा सर्जरी पई केते कम रहिबो बा केते पोस्ट ऑपरेटिव जल्दी आपनकर रिकवरी हबो सेई जिंसोटा से मैनेज करिबे बा आपनकु जनइबे आ प्लस सर्जन सांगरे मिसिकी ए जिंसोटा मैनेज कर ओडिसा रे ए सब उपलब्ध अछि त सबु एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल सबु फैसिलिटी आमर ओडिसा रे एठी भुवनेश्वर रे बा अन्य शहर रे भी अछि अच्छा इवन सबु बड़ा बड़ा मेडिकल कॉलेज रे भी अछि मु एज अ सेक्रेटरी ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ आईएसए इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी भुवनेश्वर समस्त को या कहू छी जे आपण जेतेले जिकोनसी सर्जरी पई जाऊ चंती निज एनेस्थेटिस्ट को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को खोजंतु ओके अनेक लोकों मन में यह प्रश्न उठू जदि आम नॉर्मल सर्जरी पे क्या पाखु जाऊे से सब जो आप कहे खोजा जे क्यों मैंने भल से चेकअप करलसे एनेस्थेसिया जो मैंने यूज कर प्रयोग करें कि अलग चार्जेस दरकार हुए कि बहुत लोग आम चार्ज को देखिक हस्पिटाल जाती हाँ आपण जदि मेडिकल कॉलेज को जाउछन्ति जे कोनसे बड़ मेडिकल कॉलेज को जाउछन्ति बा मेडिकल कॉलेज को जाउछन्ति गवर्नमेंट सेटअप को जाउछन्ति तो आपण ऑब्वियसली चार्जेस सेठी किछि नाही बट प्राइवेट सेटअप रे जे कोनसे सर्विस रे इवन मु जेमति जॉब करूछि तो आई विल ड्रॉ अ सैलरी ना तो मो सैलरी ऑब्वियसली मु जो पेशेंट देखिबि बा मु पेशेंट को सर्विस देबि सेइथरो ही बाहरिव तो आपण से चार्जेस को न देखिकि आपण एज अ होल देखंतु जे आपणकर टोटल पैकेज टा को हिसाब रे होउछि सेइथरे प्लस आपण जदि आगुरी ऑप्टिमाइज अच्छा माने जो जिनसटा मुझे कहली मेडिसिन आपर ऑप्टिमाइज्ड अच्छी तो आपणकर पोस्ट ऑपरेटिव स्टे रिकवरी अर्ली हम पोस्ट ऑपरेटिव स्टे कमिबो तो ऑब्वियसली आपणकर चार्जेस सेथरे बंचिबो तो आपण एज अ होल देखंतु जे आपण जल्दी रिकवरी करचोंती जल्दी हॉस्पिटल रु बाहरी पारुचोंती बा जल्दी आपणकर रिकवरी होउची सर्जरी परे अच्छा तो एज अ होल देखंतु आपण से छोटिया छोटिया चार्जेस को न देखिकि आपण बेटर हबो जे आगुरु ए स्टेप टा नियंतु आ आगु को बढ़िकि याकु ये करंतु व्यवहार करंतु प्रथमे सठिक भाबरे आपण माने आकलन करंतु सठिक भाबरे पचारंतु बुझंतु जे केउठी भलो डाक्टर अछन्ते केउठी एनेस्थेसियार भलो उपयोग करा जाउछि तापरे सेठी एडमिशन नियंतु अस्त्रोपचार मध्ये करंतु से डॉक्टर अग्रवाल यहाँ मध्ये जानबाक चाहुछु जे जेभली आपण कहले जे दुई रु तीनोटी उपाय आपण जे रीजनल कहा जाउछि कि लोकल मध्ये किछि कुहंती एनेस्थेसियार आउ कोन कोन सब प्रयोग जेबला धंतु केवल अस्त्रोपचार क्षेत्र रे एनेस्थेसिया प्रयोग करा जाउछि ता बाद मेडिकल रे आउ कोनसी जेतेबले रोगी जाउछि आउ किछि एनेस्थेसिया प्रयोग करा जाउछि ना केवल अस्त्र देखंतु आजिकालि इवन इमरजेंसी मेडिसिन जोटी आम ट्रमा होउछि ट्रमा है कि पेशेंट आसुछंती सीवियर पेन रे आसुछंती आपण सोई पारु नाहंती बसी पारु नाहंती उठि पारु नाहंती तो आमे से जो मुँ कहली अल्ट्रासाउंड गाइडेड आमे ब्लॉक दौचु अक्यूट पेन मैनेजमेंट भी करुच्छू अक्यूट पेन मैनेजमेंट मैंने आपड़ा आसिले सांगे सांगे बहुत पेन हो किसी करपार ना तो आमे इवेन इमरजेन्सी मेडिसीन रे ट्रेनिंग होनेसेटिस्ट इमरजेन्सी मेडिसीन रे जी रोचे हस्पिटल सेमती फैसिलिटी अच्छी आप आसे मात्र आपणकर से ही भागटा बधरा कराई आपणकर पेन से पूरा सबसाइड कराई आपणकर कंटिन्यूस कैथेटर भी दि जाए कंटिन्यूस पेन मैनेजमेंट भी कराईपे तो से ही भागटा पेन न रहा पेनटा जमी कमिजी तपे आप बहुत कोऑपरेटिव आपड़ सैटिस्फाइड हो तो बहुत कोऑपरेटिव होगा आप इमेजिंग जोटा एक्सरे हम कि सीटी स्कैन हम सीटा इजी हो ओके
तो डॉक्टर अगुल यह जानवाक चाहूँ केवल मनुष्यार आनेस्थेसिया यूज करा ना पशुपक्षी यूज सब पशुपक्षी भी जी ऑपरेशन होती सर्जरी होती जो जिन अस्त्रोपचार भी जहाँ भी कराकर भी आनेस्थेसिया दि जाऊँगी तार अलग ट्रेनिंग अच्छी जो वेटनरी साइंस से ट्रेनिंग करमी डाक्तर अलग आज्ञा ओके डॉक्टर अगुल यह जानवाक चाहूँ बहुत समय आम देखू अनेक रोग रोगी अभियोग करती सठिक मात्र सठिक परिमाण में चिकित्सा हो पारे सठिक मात्र जो भाई हवा कथा प्रकृति में सेमती होता है ना जेहेतु आनेस्थेसिया कम बहुत माप ओलट पलट होता है तेनालीराम फिल करती तेणु अभियोग करती देखो पेन गोटे पेन हूँ गोटे जिनस गोटे जिन आप कहले सठिक मात्रा अस्त्रोपचार हो कि ना गोटे पेन पेन जोटा हूँ समस्त थ्रेशोल्ड अलग थ्रेशोल्ड मैंने मोर असेसमेंट ऑफ पेन अलग आपंकर असेसमेंट ऑफ पेन अलग प्लस मोर फीलिंग ऑफ पेन अलग आपंकर फीलिंग ऑफ पेन अलग सो जो लेवलटा फीलिंग ऑफ पेन जोटा अच्छी जो लेवलटा समस्त अलग अलग थाए जो मेडिसिन आमर दिया हुए सेटा अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट दिया हुए एंड अकॉर्डिंग टू आपंकर जो एक्जिस्टिंग डिजीज रही जो रोग एक्जिस्टिंग रही ऑलरेडी बॉडी से ही हिसाब से दिया हुए तो हो पारे जो आपंकर असेसमेंट लेवलटा अलग अलग हो पारे सपोज आपन को एक्स वाई ड्रग दिया है मते भी एक्स वाई ड्रग दिया है बट मोर बॉडी किसी गोटे मेकानिजम अच्छी जो लेवलटा अधिक हो पारे मते पेन असेसमेंटा अधिक हो पारे आपन को पेन असेसमेंट कम हो पारे बट तार भी गोटे उपाय अच्छी जे आम एबे आम पाखे वैरायटी ऑफ ड्रग्स अच्छी जोटा कि मल्टीमोडल एनाल्जेसिया एबे आम कहू मल्टीमोडल माने वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस वी कैन यूज वैरायटी ऑफ टेक्निक्स वी कैन यूज जोटा कि मिसे कि आम गोटे डॉक्टर शेष रिएक्शन ना चाहिए जेहतु आज वर्ल्ड आनेस्थेसिया डे तेणु जो मैंने देखुं पूरा संक्षिप्त में कही दिखाँ आनेस्थेसिया को नहीं अस्त्रोपचार पूर्व से अवेयरनेस होगा उचित जिते भी आपसी सर्जरी जाऊँ आपण आनेस्थेटिस्ट को देखा करी आपण गोटे प्री आनेस्थेसिया चेकअप करातु चेकअप करेगी आपठू जापरेंगे जो आप कौन आनेस्थेसिया दिहब ड्यूरींग द सर्जरी ओके पोस्ट सर्जरी आपंकर कौन केयर हम कमी एनाल्जेसिया मैनेज हम मानने पेन मैनेजमेंट केमती हम सी भी आपड़ जापर प्लस आपंकर एक्जिस्टिंग रोग आपर आगु कि रोग अच्छी भी केमती ऑप्टिमाइज करार अच्छी सर्जरी पूर्व आउ सर्जरी पर आप कौन मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे केमती करेंगे सी भी आपको हेल्प करेंगे आउ इट इज माने इट इज अ वेरी डेवलपिंग एंड इवॉल्विंग ब्रांच जो कि आपंकर स्टे माने हॉस्पिटल स्टे ड्यूरिंग द सर्जरी कमे पारे बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव अग्रवाल आज आम सहित सामिल है।